सेक्शन 51 क्या है, इस सेक्शन को जानने की क्या आवश्यकता है, क्या इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर किसी भी फीमेल की तलाशी ले सकता है या नहीं ले सकता है, और किसी भी पर्सन को बिना अरेस्ट किए इस सेक्शन के अंतर्गत तलाशी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आइए तो इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं जो सेक्शन 51 क्या है। सेक्शन 51 में दिया गया है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इसका क्लॉज 1 कहता है व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट व्हिच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल और अंडर अ वारंट व्हिच प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल बट पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट बी फर्निश्ड बेल। अर्थात जब कोई व्यक्ति को वारंट जिसमें बेल नहीं दिया जा सकता है या दिया भी जा सकता है बेल, उसके अंतर्गत क्या है जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया गया है, ठीक है, लेकिन पर्सन जो अरेस्टेड है उसको बेल मिल सकती है पर वो बेल फर्निश नहीं कर पाया, मतलब बेल वो लेना नहीं चाह रहा है या बेल उसको जल्दी मिल नहीं रहा है, जिसके चलते उसको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। किसके द्वारा? तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, और उस पर्सन को प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट और बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल और इज अनएबल टू फर्निश बेल। इसमें कहा गया है जो जब कभी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो बिना वारंट के क्या हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, या किसी भी प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट हो रहा है जिसके पास वारंट है और वह व्यक्ति के पास लीगली एडमिटेड है कि वो लीगली नहीं है कि वो बेल ले सके, ठीक है, या वो बेल लेना नहीं चाह रहा हो। The official making the arrest or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all article other than necessary wearing apparel found upon him and where any article is seized from the arrested person a receipt showing the article taken in possession by the police officer shall be given to such person. इन दोनों सिनेरियो में क्या होगा कि कोई भी पर्सन जो अरेस्टेड किया गया हो पुलिस ऑफिसर के द्वारा या प्राइवेट पर्सन के द्वारा, तो प्राइवेट पर्सन के द्वारा यदि अरेस्ट किया गया होगा तो उस पर्सन को क्या करेगा, प्राइवेट पर्सन जिसको वो अरेस्ट किया होगा उसको क्या करेगा, तो पुलिस ऑफिसर को ही सौंपेगा इनडायरेक्टली, ठीक है, तो इनडायरेक्टली पुलिस ऑफिसर द्वारा ही अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर जिस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाएगा उसकी क्या करेगी, तो सेक्शन 51 के अंतर्गत तलाशी ली जाएगी। अब तलाशी लिया जाएगा लेकिन उसका इम्पोर्टेंट जो भी कपड़ा है जो वो पहना होगा उसको छोड़ करके उसके अलावा जो भी सामान उसके पास से पाया जाएगा, आर्टिकल जो भी आर्टिकल उसके पास से पाया जाएगा उन सबको क्या किया जाएगा, सेफली क्या किया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा और उन सबको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा और सीज किए गए जितने भी आर्टिकल्स होंगे इस सेक्शन के अंतर्गत उनका रिसिप्ट, उस आर्टिकल्स का रिसिप्ट क्या करेगा, तो पुलिस ऑफिसर जो है उस आर्टिकल्स का रिसिप्ट जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको दे देगा। इसके अलावा सेक्शन 51 का क्लॉज 2 देखते हैं जिसमें कहा गया है व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च्ड द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। इस सेक्शन में किसी भी मेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी फीमेल की तलाशी नहीं ली जा सकती, जब भी किसी फीमेल की तलाशी होगी तो किसी फीमेल के द्वारा ही ली जाएगी इस सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है, और इस सेक्शन में बिना अरेस्ट की तलाशी नहीं ली जा सकती है। थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।